अरे बहुत सारे पटाखे, कपड़े, मिठाई खरीदी। तुमने क्या खरीदा? मैंने बहुत सारे पटाखे, नए कपड़े, मिठाइयाँ खरीदी। इस बार हम दिवाली बहुत धूमधाम से मनाएंगे। हाँ, इस बार मैं बहुत सारे क्रैकर्स लेके आया। हाँ, मैं भी बहुत सारे क्रैकर्स लेके आई हूँ। वो देखो हमारे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, तुम क्या कर रहे हो? हम रंगोली बना रहे हैं। इस बार तुमने पटाखे नहीं खरीदे? नहीं, क्योंकि इस बार हम ग्रीन दिवाली मनाएंगे। ग्रीन दिवाली क्या होती है? पटाखे नहीं जलाए जाते। लेट्स कम एंजॉय विदर। वी हैव लॉट ऑफ क्रैकर्स। अगर हम क्रैकर्स जलाएंगे तो एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचेगा, इसलिए हमें क्रैकर्स नहीं जलाने चाहिए। आओ तुम्हें दिखाती हूँ कि क्रैकर्स जलाने से क्या क्या नुकसान होता है। पिछले तो उन लोगों ने बहुत धूमधाम से दिवाली बनाई और हमें चैन से बैठने तक नहीं दिया, और अब तो हमें कहीं हाइड होना पड़ेगा। इसी वजह से हमारे दोस्त पैरेट को क्रैकर लग गया था और उसकी डेथ हो गई थी। क्या ये लोग दिवाली आराम से क्यों नहीं मना सकते? ये लोग हमें अट में क्या, ये लोग तो हमें स्काई में भी नहीं छोड़ते। मैंने तो सोचा था ये इंसान बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, पर इनको इतना भी नहीं पता कि क्रैकर्स नहीं जलाने चाहिए। स्वीट्स खाओ, दिए जलाओ, नाचो गाओ, पर क्रैकर्स मत जलाओ। आओ तुम्हें दिखाती हूँ कि क्रैकर्स जलाने से और क्या क्या नुकसान होता है। इंसानों ने तो बहुत धुआं किया हुआ है। हाँ, इसी वजह से हमारे सारे फूल खराब हो रहे हैं। हमने ये नहीं कहा है कि तुम पटाखे ना जलाओ, लेकिन पटाखे जलाने की भी कोई लिमिट है। हाँ, पता नहीं ये लोग दिवाली पटाखों के बिना क्यों नहीं मना सकते। दिवाली खुशियों का त्योहार है, खुशी से मनाओ। तुम भी जियो, हमें भी जीने दो। मैं अर्थ हूँ, इंसानों ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। मेरे चारों तरफ धुआं ही धुआं हो रहा है। हमें श्री राम जी की तरह अच्छे संस्कारों को जीवन में उतारना चाहिए और दिवाली खुशी से मनानी चाहिए और मिठाई खाकर मनानी चाहिए। थैंक यू।